कौन हरकत किया? क्या हरकत किया? हरकत नहीं, रामचरितमानस में सवाल नहीं, सवाल कि राम ने मारा रावण को, कृष्ण ने मारा कंस, और नीतीश कुमार मारेंगे नरेंद्र मोदी को, और कर देंगे विभाग। कौआ लोग के बोलने से हम हिंदू विरोधी हो जाएंगे। तो लालू यादव यूनिवर्सिटी से भाजपा के लोग पढ़ के गए हैं, आज दांत विदोर के हम लोग को गाली दे रहे हैं। नीतीश मारेंगे नरेंद्र मोदी भाजपा को, मकई की रोटी तवा में, 24 में उड़ जाएगा नरेंद्र मोदी हवा में। देखिए रामचरितमानस पे विवाद, और हमारे पीछे का पोस्टर राजद वाले दिखा रहे कि भाई रामायण में राम जी की विजय हुई, रावण हारा, महाभारत में कृष्ण जी की विजय हुई, कंस हारा, 2024 में नीतीश कुमार मतलब महागठबंधन की विजय होगी, अब मोदी जी हारेंगे। और कौन हारेगा कौन जीतेगा वक्त बताएगा। आप लोग कहे ऐसा रामायण रामचरितमानस पे आवाज उठा रहे? अरे राम ने मारा रावण को, हाँ राम ने मारा रावण को, कृष्ण ने मारा कंस, अब होगा विध्वंस की बोलो सारा रारा, और नीतीश मारेंगे ये नरेंद्र मोदी भाजपा को। मतलब उनको नहीं, मतलब उनके अंदर जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उस चीज पर हम लोग प्रहार करेंगे। पॉलिटिकल बिल्कुल, अब व्यक्तिगत नहीं, उनके जो नीति हैं, उनके जो शास्त्र हैं, उनके जो आधार है, उसको हम लोग दिनों में सपना देखते हैं। कैसे? अब वो एक जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, दूसरा आप लोग हिंदू विरोधी हैं। कौन बोल दिया? अरे चिराग पासवान के कौआ लोग के बोलने से और बहुत तरह के लोग के बोलने से हम हिंदू विरोधी हो जाएंगे। अरे हम तो सनातन धर्म से हैं, कृष्ण के वंशज हैं, ये इनसे पूछे कि गोलवरकर की सावरकर के वंशज। भाजपा वाले कह रहे हैं आप लोग हिंदू नहीं है, असली हिंदू नहीं है, इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है हमें। हाँ। ये तो लालू यादव यूनिवर्सिटी से भाजपा के लोग पढ़ के गए हैं, आज दांत विदोर के हम लोग को गाली दे रहे हैं। तो आप लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं? कौन हरकत किया? क्या हरकत किया? हरकत नहीं, रामचरितमानस पे सवाल नहीं, सवाल हाँ? सवाल नहीं उठाया है। हाँ। मैंने उसमें लिखा, श्लोक को पढ़ा है। हाँ। कि ये लिखा हुआ था, भड़काऊ भाषण नहीं है। मैंने किसी धर्म, किसी बाइबल, किसी कुरान, किसी गीता के बारे में हमारे मंत्री ने ऐसा नहीं कहा। वो एक शब्द था। हाँ। जो लिखा हुआ था तब तो पढ़े उन्होंने। हाँ। लिखा था तब तो पढ़े, अगर नहीं लिखा रहता तो क्यों पढ़ते? क्या जरूरत था? क्या क्यों? अच्छा, अगर धर्म है तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए? और भी बहुत चीज़ अच्छाई लिखा हुआ है ना जी। अच्छाई बुराई बताना चाहिए कि नहीं? अरे अगर अगर गलत है तो उसको संशोधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली दुनिया है, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब कुछ है, तो इन सब चीज को देखना चाहिए। लोग से हिंदू नाराज हो गया है, ये सब जुमला है। भारत जलाओ पार्टी, बी से बड़का, जे से जलाओ, पी से पार्टी। भारत जलाने वाले पार्टी हमको न बताए कि हम लोग देश जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो, आई भारत जलाओ। अरे आप लोग का पॉलिटिकल संस्कार हो जाएगा अंतिम संस्कार 24 में। 24 में वही तो देख रहे हैं कि राम ने मारा रावण को, कृष्ण ने मारा कंस, और नीतीश कुमार मारेंगे नरेंद्र मोदी को, और कर देंगे विध्वंस। और कंस ने मार के किया था, कंस ने मार के, कृष्ण ने मार के किया विध्वंस को, खुला में थोड़ा राज किया। हाँ। और नीतीश कुमार मार के करेंगे दिल्ली पर राज। 40 पिछले 19 में एक सीट लाने वाली पार्टी चिल्लावेगी गला फाड़ के, क्या बात करते हैं? और अभी आप बता रहे हैं? और इनका पूर्व के काल में क्या स्थिति था भाजपा का? इंदिरा जी के समय में, राजीव जी के समय में भारत में बताओ बिहार में कैगो सीट था? ये घड़ी है, ये सूरज उगा है तो अस्त होगा। तो आप लोग का वक्त खराब चल रहा है। नहीं। मंत्री जी उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, क्योंकि देख लिया ना इनका इनका। हाँ। शासन काल हम लोगों ने देखा, और भारत के तमाम जनता देख रही है, अब हम लोग की बारी है। अब लिखा देख लिया ना। हाँ। अब 24 में हम लोग आ रहे हैं। नीतीश जी उससे पहले छोड़ देंगे आप लोगों को? ये आप भविष्यवाणी कर लिए पहले ही, 2017 में हुआ था। हुआ था और होगा, भविष्य की बात कौन जानता है। हम लोग तो एक हैं अभी, तो वही ना कहेंगे एक है। बिल्कुल कोई शक है? अब बयानबाजी दोनों तरफ से चल रहा है, बोलेगा तो नाम की मां देगा। सभी व्यक्ति का भारत के संविधान में सबका अधिकार है अपनी बातों को जनता के बीच रखना, सबका अलग अलग सोच है। चिराग तो भाजपा में चल रहा है, ललटन तो बुझ जाएगा।
चिराग कहाँ जा रहे हैं, चिराग उनके हैं, वो उनके हैं, हमको लालटेन बुझने से क्या मतलब, उनको कोई मतलब नहीं है। हमारा लालटेन न कभी बुझा है न बुझेगा, क्योंकि गरीबों के लिए अंधकार में रोशनी का काम करता है ये लालटेन, और ये कभी बुझने वाला नहीं है। वो यहाँ वाला लालटेन न है, दिल वाला लालटेन, बिल्कुल ये बुझेगा। ये नई द्वीप है, ये नई। अब आप लोग भड़का रहे हैं, जाति में लड़वा रहे हैं, ये सब बड़ा आरोप तो सही है ना, जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। कैसे लड़वा रहे हैं? जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए, जब अंग्रेज के समय में हुआ था उसके बाद कहाँ हुआ है। हमारा भारत का जो कितने लोग हैं, जनसंख्या क्या है और कितने कौन है, ये जरूरी है कि नहीं करना? अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं। कौन बोल दिया? आप पांच भाई हैं, हम दो भाई हैं, तो पांच गो के खाना मिले, पांच गो के नहीं मिलेगा, तीन गो के मिलेगा, दो गो हमको मिलेगा, तो आप नाराज नहीं होइएगा? सब बराबर, इसलिए जातिगत जनगणना हो रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतने भागीदारी। आप लोग मोदी से बड़ा डरते हैं। कौन डरता है, कौन CBI भेजाता है बार बार, आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी से हम लोग डरते हैं। देखा कि भाई लालू यादव को जेल में बंद कर देगा तो नरेंद्र मोदी जीत जाएगा, वही ना हुआ? डर के मारे तो लालू जी को बंद किया, CBI EDI कितना एजेंसी लगा दिया, और ये हम लोग डरने वाले हैं? हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं, बांसुरी भी बजाना जानते हैं, चक्र भी चलाना जानते हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। चलिए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बांसुरी बजाएंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी चक्र चलाएंगे। कृष्ण जी के वंशज हैं, हिंदू तो हैं आप लोग भी, है ना? जो बोल रहे हैं कि एकदम हिंदू विरोधी आप लोग, सब ढकोसला है। मकई की रोटी तावा में, 24 में उड़ेगा नरेंद्र मोदी हवा में। चलिए, नीतीश कुमार आएंगे। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।